और उसको समझेंगे। लेट अ वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट ड्राइव अ करंट इन सर्किट। ये हमने इनपुट मान लिया कि इनपुट वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा थ्री एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इज अ फेज डिफरेंस एंड आई नॉट इज गिवन बाई वी नॉट बाई जेड। जेड इज हियर एम्पिडेंस एंड फाइव इज द फेज एंगल। फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन एक्स एल बाई आर। राइट, तो देयर फोर द इंस्टेंटेनियस पावर पी सप्लाई टू द सोर्स। इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग ने पढ़ा था 10th में, पी इक्वल टू वी आई पढ़ा था। तो यहाँ पे वी की वैल्यू रखेंगे एंड आई की वैल्यू रखेंगे, फिर इसको वी एंड आई को इसको साथ में करके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 साइन ए 2 साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। 2 साइन ए 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा। इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये आएगा। राइट, ये एक कौन सी पावर देगा? इंस्टेंटेनियस पावर एट अ टाइम टी। टी टाइम पे ये कोई इंस्टेंटेनियस, ये पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब हमें, क्योंकि एसी सर्किट में हम लोग एवरेज पावर की बात करेंगे, तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या आएगा? द एवरेज पावर ओवर अ साइकिल इज गिवन बाई। एवरेज पावर को हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देखना है कि जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये टर्म क्या है? 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो ये टर्म का एवरेज, इस टर्म का एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा, आप करके देखिएगा। इसके पहले जब एवरेज हम निकालते थे तो वहाँ पे भी देखे थे, इस टर्म का क्या एवरेज हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो यही बचेगा टर्म, इतना आएगा यहाँ पे रिमेनिंग, ये टर्म आएगा। ठीक है, अब टू को यहाँ पे, टू को रूट टू कर सकते हैं। टू को हम रूट टू लिख सकते हैं। वी नॉट अपॉन ये आ जाएगा आपका, वी नॉट अपॉन रूट टू, वी नॉट अपॉन रूट टू वी आर एम एस है, आई अपॉन आई नॉट अपॉन रूट टू ये भी आई आर एम एस है, ये कॉस फाई है। मीन्स इसको हम वी आर एम एस लिख दिए, आई आर एम एस, ये कॉस फाई तो ऑलरेडी है। द एवरेज पावर इज गिवन इक्वल टू दिस वन। एवरेज पावर यहाँ पे इतनी हो जाएगी किसी भी एसी सर्किट में। एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर वी आर एम एस को वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस इज गिवन बाई आई नॉट बाई रूट टू। राइट, अब इसको आई आर एम एस के टर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। वी की जगह ये रख दिए थे, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में हमने जो पढ़ा था, आई स्क्वायर आर एम एस जेड इंटू कॉस वाई। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। बाकी ये तो हमने अभी यही, अब यहाँ पे हमें समझना है द एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट आपका आई आर एम एस पे करेगा, वी आर एम एस करेगा, एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द कॉस फाई, फेज एंगल। फेज एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो लेट अस डिस्कस डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस के लिए पावर डिसिपेशन क्या हो। केस 1, अगर सर्किट रेजिस्टिव है, मींस रेजिस्टर ही लगा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ही लगा है, रेजिस्टिव सर्किट है। तो रेजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू हम लोग ने पढ़ा है जीरो होता है, क्योंकि वी एंड आई एक ही डायरेक्शन में होता है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर रेजिस्टेंस, केवल रेजिस्टेंस है, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? मीन्स कॉस 0, फाइव वैल्यू जीरो है, मीन्स कॉस 0 1, देयर इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। इन दैट केस क्या हो जाएगा? पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाएगा, मीन्स कॉस 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा? हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस। राइट, अब सेकेंड केस इसमें लेते हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव। केवल कैपेसिटर लगा रहा हो या केवल इंडक्टर लगा हो, तब क्या होगा? उस केस में आपका क्या हो जाएगा?
करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ऑलवेज बने रहेगा, मीन्स पाई फाई की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी एंड कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इट मीन्स देयर इज नो पावर डिसिपेशन। पावर एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी इन प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटी में, जीरो हो जाएगी। दैट्स वाई अब यहाँ पे देखना है पावर डिसिपेशन बिल्कुल नहीं होगा, देयर इज नो पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इवन दो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो हो रहा है बट पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा। तो इसी करंट को दिस करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। वाटलेस वाटलेस मीन्स यहाँ पे वाटलेस मीन्स कोई वाट का वाट मीन्स पावर, पावर की यूनिट होती है, वाटलेस करंट बोलते हैं इसको। मीन्स अ करंट इन विच द पावर डिसिपेशन इज जीरो, दैट करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाटलेस करंट का मतलब कि पावर डिसिपेशन, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी, ऐसी करंट को हम बोलते हैं। मतलब करंट फ्लो कर रही हो, पावर डिसिपेशन ना हो, तो ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट, राइट। थर्ड केस है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट। द पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय दिस वन एंड फाई की वैल्यू ये होती है। फाई की वैल्यू मे बी नॉन जीरो इन आरएल और आरसी और आरसीएल सर्किट इवन सच केस द पावर डिसिपेटेड ओनली इन रजिस्टर। मीन्स एलसीआर सर्किट में पावर डिसिपेशन केवल और केवल कहाँ पे होता है, रजिस्टर में होता है, मीन्स रेजिस्टेंस में होता है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान देना है एंड उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि फाई की आपको फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, मे बी नॉन जीरो हो सकती है बट पावर डिसिपेशन ओनली कहाँ पे होगा, रेजिस्टर में होगा। नाउ फोर्थ केस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस फोर्थ, पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट एट अ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मीन्स एक्स सी माइनस एक्स एल इक्वल टू जीरो, मीन्स टेन फाई इक्वल टू जीरो, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो, कॉस फाई इज जीरो, देन एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कॉस फाई कॉस नहीं कॉस यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे वन होना चाहिए, ये कॉस जीरो की वैल्यू वन होगा तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, डेसिपेटेड आई स्क्वायर आर एम एस एंड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इम्पीडेंस की वैल्यू रेजिस्टर के बराबर हो जाएगी, तो आई स्क्वायर आर एम एस या आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ये आएगा। दैट इज पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम पावर इज डेसिपेटेड इन अ सर्किट थ्रू आर एट अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्योर एल सी आर सर्किट में एट रेजोनेंस द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है, राइट। तो ये आपका पावर डिसिपेशन हो गया, कितने मीन्स केसेस होते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। इस पे आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके पहले भी कई बार पूछे गए। सो ट्राई टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम ऑन दिस। इस पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपके सैंपल पेपर में दिया है, इसके पहले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं आपको, जैसे ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन पूछ लेता है कौन से सर्किट में प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटी पर पावर डिसिपेशन या एवरेज पावर क्या होगी, तो या प्योर एलसी या प्योर आपका रेजिस्टिव सर्किट है तब पावर डिसिपेशन हो गया, मैक्सिमम किस में होता है, या वाटलेस करंट कौन से केस में वाटलेस करंट कहलाती है, तो ये सब कंडीशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट।